आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक जीरो हो गया है या फिर आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको वेब स्टोरी के ट्रैफिक को लेकर सभी प्रकार की टेंशन खत्म कर दूंगा और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप अपनी वेब स्टोरी का ट्रैफिक फिर से इंक्रीज कर सकेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से भी हमारी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो जाता है। हालांकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट को और भी अच्छा बनाने के लिए किसी प्लगइन्स को जोड़ते हैं, लेकिन वह प्लगइन्स दोस्तों आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक भी डाउन कर सकता है। वेब स्टोरी के ट्रैफिक डाउन को लेकर आपको जो भी समस्या आ रही है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार किस वजह से हम अपनी वेब स्टोरी का ट्रैफिक वापस ला सकेंगे या फिर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हुआ है। नंबर एक, आपको सबसे पहले अपनी वेब स्टोरी का URL चेक करना होगा। आपको दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपनी वेब स्टोरी की लिंक इस वेबसाइट में पेस्ट करनी है और उसे टेस्ट URL पर क्लिक करना है। टेस्ट URL पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेब स्टोरी का जो URL हुआ वैलिड है या फिर नॉट वैलिड है। तो दोस्तों आपको यह चेक करना है, दोस्तों आपकी वेब स्टोरी की लिंक वैलिड होना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों हम अपनी साइट की स्पीड बढ़ाने के लिए WP Rocket प्लगइन का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों WP Rocket में एक सेटिंग होती है जो कि JavaScript फाइल को छोटा कर देती है। अब दोस्तों आप उसे ऑफ करके देखिए वह कैसे करना है, इसे भी देख लेते हैं। अगर आप WP Rocket प्लगइन यूज करते हैं तो आपको अपनी WordPress साइट के डैशबोर्ड में आना होगा और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा और WP Rocket में जाना होगा। WP Rocket में आने के बाद आपको यहां पर जाना होगा फाइल ऑप्टिमाइजेशन में। फाइल ऑप्टिमाइजेशन में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको मिनी पाई जावा स्क्रिप्ट फाइल को इसे यहां पर टिक है, आपको इसे अनटिक करना होगा और सेव बटन पर कर देना है नीचे की तरफ क्लिक। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा करने से भी आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है या फिर कोई भी अंतर नहीं आता है, आपको इंतजार करना है 24 घंटे का। अगर ऐसा करने से आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है तो आपको फिर से इसे टिक करना होगा और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों उस ऑप्शन को आपको ऑफ करके देखना होगा और फिर दोस्तों आपको चेक करना होगा कि आपके ट्रैफिक में अंतर आता है या नहीं। दोस्तों अगर ट्रैफिक में अंतर नहीं आता है तो आप फिर से वही सेटिंग चालू कर दें। नंबर तीन, दोस्तों वेब स्टोरी पर ट्रैफिक 99% डिस्कवर से आता है, बाकी डायरेक्ट आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर वेब स्टोरी डाल रहे हैं तो आप डिस्कवर पर निर्भर हो। हाँ दोस्तों, डिस्कवर पर आपको गूगल डिस्कवर के ट्रैफिक पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। गूगल के जॉन म्यूलर के द्वारा यह बताया गया है कि डिस्कवर का ट्रैफिक, जिसे आप मुख्य स्रोत के रूप में नहीं ले सकते बल्कि इसे अतिरिक्त स्रोत के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि डिस्कवर का ट्रैफिक दोस्तों अप डाउन होता रहता है। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि आपकी वेबसाइट से जो डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है बल्कि वह ट्रैफिक मुख्य स्रोत नहीं है ट्रैफिक लाने का, बल्कि वह एक अतिरिक्त स्रोत है, अपनी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो भी वेब स्टोरी बनती है चाहे उस पर लाखों में दोस्तों ट्रैफिक आ रहा हो, वह पूरा का पूरा ट्रैफिक 99% डिस्कवर से आता है, बाकी 1% डायरेक्ट आता है। डिस्कवर का ट्रैफिक अप डाउन होता रहता है क्योंकि हमारी प्रत्येक वेब स्टोरी डिस्कवर में शो नहीं होती। अगर हम 5 वेब स्टोरी डालेंगे तो शायद उनमें से 1 या 2 वेब स्टोरी डिस्कवर में शो हो, लेकिन दोस्तों बहुत लोगों का कई कारणों की वजह से वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हुआ है।
यह वजह आपको इस वीडियो में ही आगे जानने को मिल जाएगी। जैसा कि मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि आप अपनी वेब स्टोरी के साथ साथ अपनी ब्लॉग में पोस्ट भी लिखना चालू रखें, क्योंकि जो डिस्कवर का जो ट्रैफिक है वह अतिरिक्त ट्रैफिक है, यानी कि आप उस पर निर्भर नहीं हो सकते, वह दोस्तों किसी कारण से भी डाउन हो जाता है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा से यही कहता आ रहा था कि आपको अपने ब्लॉग पर वेब स्टोरी के साथ साथ दोस्तों ब्लॉग पोस्ट भी लिखना चालू रखें, जिससे आपकी वेब स्टोरी का और आपकी ब्लॉग की जो ट्रैफिक है वह मेंटेन रहे। दोस्तों आपको एक सबसे बड़ी बात मैंने बताई थी वेब स्टोरी को लेकर कि जो बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स हैं उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बना दी है अपनी वेब स्टोरी को एम्बेड करने के लिए, जिससे वे कोई भी वेब स्टोरी डालते हैं उनकी उस स्पेशल कैटेगरी में जुड़ जाती है, और इस वजह से दोस्तों उनकी वेब स्टोरी पर डायरेक्ट ट्रैफिक आता है, यानी कि जो लोग उस वेबसाइट को पढ़ने के लिए आए हैं वे लोग वहां उस वेब स्टोरी वाले कैटेगरी में जाते हैं और वहां पर वेब स्टोरी देखने लग जाते हैं। इस प्रकार से बड़ी बड़ी साइट्स अपनी वेब स्टोरी पर ट्रैफिक लाती हैं, जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक रहता है, और इस वजह से उनकी वेब स्टोरियां दोस्तों डिस्कवर में शो होना चालू हो जाती हैं, और इस प्रकार से उनकी वेब स्टोरियों को प्राथमिकता मिलती है। इसलिए मैं हमेशा से आपको यह कहता आ रहा था कि आपको अपनी वेब स्टोरी अपनी होम पेज में या अपनी वेबसाइट की किसी एक कैटेगरी में एम्बेड करके रखिए, जिससे दोस्तों वहां से थोड़ा सा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता रहे उन वेब स्टोरीज पर, ताकि उस वेब स्टोरी पर कभी भी ट्रैफिक डाउन ना हो। नंबर 4, दोस्तों गूगल के जॉन म्यूलर से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से वेब स्टोरी बना रहे हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक भी चल रहा था, लेकिन अचानक से वेब स्टोरीज का ट्रैफिक जीरो हो गया और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वेब स्टोरी बनाई थी और अच्छे से काम चल रहा था, बिल्कुल रेगुलर काम कर रहे थे, फिर भी वेब स्टोरी का ट्रैफिक जीरो हो गया। दोस्तों इस पर गूगल के जॉन म्यूलर के द्वारा क्या जवाब दिया गया उसे सुनकर आपकी सभी टेंशन खत्म हो जाएंगी। गूगल के जॉन म्यूलर के द्वारा यह बताया गया कि वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है गूगल का कोई नया अपडेट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेब स्टोरी का ट्रैफिक डिस्कवर से आता है और डिस्कवर का ट्रैफिक अप डाउन होता रहता है। गूगल के जॉन म्यूलर के द्वारा बताया गया कि गूगल का कोर अपडेट जो कि डिस्कवर के ट्रैफिक को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल का एक कोर अपडेट जो कि ज्यादातर हर वर्ष आता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से वेबसाइट के ट्रैफिक को प्रभावित करता है। और आपको बता दूं गूगल के जॉन म्यूलर के द्वारा भी यही बताया गया कि वेब स्टोरी यानी डिस्कवर का जो ट्रैफिक है वह गूगल के कोर अपडेट से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। इसकी वजह से वेब स्टोरी से आने वाला ट्रैफिक जीरो हो जाता है और यही कारण होता है कि आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक जीरो हो गया है। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्कवर के ट्रैफिक को आप अपनी वेबसाइट के लिए मुख्य स्रोत नहीं मान सकते, बल्कि वह अतिरिक्त स्रोत है। हाँ, उस पर भी आप काम करिए, लेकिन दोस्तों आपको अपनी साइट में लगातार पोस्ट भी डालना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चारों तरफ से आए, ना कि केवल डिस्कवर से। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक क्यों डाउन हुआ है और किस प्रकार से आपकी वेब स्टोरी का ट्रैफिक डाउन हो सकता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों को यह जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द एक बड़ी जानकारी के साथ। धन्यवाद।